और एक दिन वो होगा, मोदी और योगी का इलाज भी जनता करेगी, भारत की जनता। घिनौना जो चेहरा है बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का, वो आज जनता के सामने है। आप ये देखिएगा, इसकी गिरफ्तारी भी होगी और इस्तीफा भी होगा और इनका मुंह काला भी होगा। आहिस्ता आहिस्ता जो इनका घिनौना चेहरा वो लोगों के सामने आ रहा है और वो एक दिन वो होगा, ये ऐसे जाएंगे जो गधे के सर से सींग, ये देखिएगा आप। और इसीलिए इसको संरक्षण दिया जा रहा है। योगी का आदमी है ये, मोदी का आदमी है। मैं हिंदुस्तान को नस्ते नाबूद करने में लगे हैं लोग, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सक्सेस होगा। आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक षड्यंत्र था? हाँ बिल्कुल षड्यंत्र है, आपके सामने है ना। बिजभूषण सिंह दोषी है, उसको सजाए होना चाहिए। 24 के बाद मोदी जी के विदाई होने वाला है। देश के लिए, लोकतंत्र के लिए भाजपा सरकार खतरा है। मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है, हम भी राम के भक्त हैं, लोग को रोजगार चाहिए। लोग बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। लगातार खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं, ये पोस्टर देख सकते हैं, किस तरह से गोल्ड मेडल लेके आई हैं बेटियां, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं मौसम भी खराब है, बारिश होने वाली है, लेकिन ये बेटियाँ डटी हुई हैं, चारों तरफ बैरिकेड है। ये लोग लगातार प्रदर्शन जारी की है और मांग कर रही है कि बृजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कहां से आए हैं और क्या लग रहा है कि कब तक बेटियों को न्याय मिल पाएगा। सर बताइए, सर क्या लग रहा है इन बेटियों को कब तक न्याय मिल पाएगा? देखिए, बेटियों को न्याय तो मिलना ही है। आप और हम लोग, पूरी जनता, पूरी दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान की इन बेटियों के साथ हैं। जो बेटियां पहलवान जो यहाँ बैठी हैं उनके साथ हैं। और लगातार जो बीजेपी का जो एक बेटी विरोधी जो एक रणनीति है, वो इनका उजागर हो रहा है इस टाइम। जो इनका घिनौना जो चेहरा है बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का, वो आज जनता के सामने है। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, हम तो ये कहते हैं कि बेटी इन लोगों से बचाओ। ये लोग लगातार बेटी का शोषण करते हैं, चाहे हाथरस कांड हुआ और अन्य जो अभी तक 9 साल में जितने भी कांड हुए हैं, वो लगातार इन लोगों के अंतरी मंत्री संतरी जो भी इनके इन्वॉल्व रहे हैं। और हमारा ये कहना है, इन लोगों से बेटी बचाओ और मैं कहता हूँ भारत बचाओ। इन लोगों को उखाड़ के फेंकना हमारी जनता का एक अधिकार है, मैं कह रहा हूँ इस अधिकार का जो है ना पालन करे जनता, और इन लोगों को, मोदी सरकार को उखाड़ के फेंके, जब जाके इस देश की रक्षा होगी, देश की बेटियों की रक्षा होगी। और इन पहलवानों की जो बात है, इनको न्याय तो मिलेगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई अगर लंबी चली तो लंबी लड़ने के मूड में है जनता। अब लगातार हर आम आदमी कैसे लड़ेंगे सर, अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तब जाके FIR दर्ज हुई है। देखिए मेरी बहन, पहले तो FIR भी नहीं हो रही थी, लेकिन हुई ना। आप और हम यहाँ पर हैं, इन बेटियों के साथ हैं, हुई ना FIR। आप ये देखिएगा, इसकी गिरफ्तारी भी होगी और इस्तीफा भी होगा और इनका मुंह काला भी होगा, देखिएगा आने वाले समय में, क्योंकि जनता अब इनके साथ जुड़ चुकी है। लोगों को नहीं पता था, जो आप जैसे जो लोग हैं सोशल मीडिया वाले, वो इसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं इस मैसेज को, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो मीडिया है वो इनकी गोदी में बैठी है, वो नहीं पहुंचा। आई तो है कवर करने, वो देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार लाइव कवरेज कर रही है। नहीं नहीं, वो करती होंगी, लेकिन उनका उनकी मेन उद्देश्य हमेशा जो है बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को बचाव का है, बचाने का है। और जो आप जैसे जो मीडिया है, जो जमीनी जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हो, वो उनसे लाख गुना अच्छा है और हर जनता तक, आप आम आदमी तक पहुँच रही, ये काम कर रहा है और इसलिए हर आम आदमी इनसे जुड़ रहा है। 2014 के बाद ही बीजेपी नारा लेके आई, जब सत्ता में आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा ईमान महिलाओं का सम्मान, सब नाटक है, सब झूठा मखोटा है। मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में इनका जो असली घिनौना चेहरा है वो पर्दाफाश हो रहा है। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता जो इनका घिनौना चेहरा वो लोगों के सामने आ रहा है और वो एक दिन वो होगा, ये ऐसे जाएंगे जो गधे के सर से सींग, ये देखिएगा आप। 38 से 40 मुकदमे लगभग बृजभूषण के ऊपर दर्ज है, उसके बाद भी संज्ञान क्यों नहीं ले रही है सरकार? देखिए, ये जो शख्स है, ये जो जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप और हम यहाँ खड़े, ये आदमी योगी जी का खास, मोदी जी का खास है। और अभी आपने देखा होगा यूपी में जो ये जातिवाद का और धर्मवाद का जो चल रहा है, अतीक को मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, और जो इसका जो आदमी, अब इसका चेहरा जो सामने आ रहा है वो आपको सामने है, सब कुछ है। और इसीलिए इसको संरक्षण दिया जा रहा है। योगी का आदमी है ये, मोदी का आदमी है ये, इसलिए इसको संरक्षण दे रहे हैं। और एक दिन वो होगा, मोदी और योगी का इलाज भी जनता करेगी, भारत की जनता।
तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से इनका बिजली पानी रोक दिया गया, खाना नहीं अंदर आने दिया गया और तमाम तरह की दिक्कतें उठानी पड़ी है, जबकि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यही महिलाएं भारत का नाम रोशन करती है, तो इनके साथ ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई? देखिए शर्मनाक है बहन जी, मेरी बहन ये शर्मनाक है जो आज इन लोगों के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है और आम जनता के साथ क्या होगा। लेकिन ये चाहे कुछ भी कर ले, ये किसी को नहीं बख्श रहे, ये एमपी से लेके आम आदमी तक ये किसी को नहीं बख्श रहे, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे आम महिला हो, आम जनता हो, ये किसी को नहीं बख्शेंगे। ये सबको नस्ते नाबूद करने में, हिंदुस्तान को नस्ते नाबूद करने में लगे हैं लोग, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सक्सेस होगा। लेकिन इनके जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पीछे, इस नारे के पीछे जो ये षड्यंत्र और जो खेल खेल रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सब सामने हो जाएगा। पानी वानी से कोई घबराने वाली बात नहीं है, इनको पानी ना हो, बिजली रोक दे, पानी रोक दे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जनता इनसे जुड़ रही है और वो जुड़ती रहेगी। देख रही, आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक षड्यंत्र था? हाँ बिल्कुल षड्यंत्र है, आपके सामने है ना, बेटी बैठी तो है, इतने सालों से लगातार शोषण हो रहा है, जो एथलीट जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल के आ रहे हैं उन लोगों की नहीं सुनी जा रही, तो आप और हम कहाँ बहन जी? तो ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा और आम जनता को, आम वोटर को सोचना पड़ेगा, इन लोगों के बहकावे में ना आए, इन लोगों को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए, ये जन विरोधी भारत विरोधी सरकार है, ये मैं बता दिया। तो क्या करेंगे आगे ही 2024 का इलेक्शन भी है, आप लोग क्या करेंगे उसमें? देखिए हम तो यही कहेंगे, एक तो पहली बात तो ये जो हमारा उद्देश्य है, ये जो व्यक्ति है इसके खिलाफ जो FIR हुई है उसकी गिरफ्तारी हो, उसको उसके खिलाफ जो ना वो सलाखों के पीछे जाए और इस्तीफा हो, और हर जन जन तक और आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे, हर वोटर हर इंसान आम आदमी ये सोच रहे कि किन लोगों को वोट देने जा रहे हैं। अगर आपको अपनी बेटी की सुरक्षा चाहिए तो इन लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी, घर घर में मुहिम छेड़नी पड़ेगी, घर घर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि इन लोगों को उखाड़ के फेंको। देखिए 100 साल बाद RSS की सरकार सत्ता में है, उन लोगों ने ये इंतजार था, और 100 साल से पहले जो हमारे से जनरेशन से पहले आज तक इनको सत्ता में नहीं आने दिया, वो कहाँ तक सोच थी इन लोगों की। तो आज ये झूठ और ये जो मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया के पीछे से इन्होंने सरकार में आए और लोगों को बहकाया, ये एक षड्यंत्र था, और अब इनका जो काला चेहरा है उनकी घिनौनी सोच सामने आ चुकी है, एक दिन वो होगा, ये रोड पे होंगे और जनता सत्ता में होगी, ये देखिएगा। कल ही अभी बयान आया है ब्रजभूषण का कि मोदी जी को अगर बोल देंगे, गृह मंत्री अमित शाह अगर बोल देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए ब्रजभूषण इतना बड़ा अपने आप को एक रावण समझ रहा है कि मोदी और योगी सब उसके जेब में है, उसकी जेब में है वो, इससे इतना बड़ा बन चुका है कि रावण है वो, और उनको जो योगी और मोदी को उसकी वोटों की जरूरत है, वोटों की ध्रुवीकरण का मामला है, क्योंकि इन लोगों ने ना जाति में धर्म में बांट दिया इस देश को, इसको भी जाटवाद दे रहे हैं, कभी सिखवाद दे रहे हैं, कभी मुस्लिमवाद दे रहे हैं, कभी दलितवाद दे रहे हैं, कभी पंडितवाद दे रहे हैं, इनका ये इन्होंने जो कार्य है ना वो है, इनका ये डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, कहीं बेटी की सुरक्षा की कोई बात नहीं होगी, बस इनका काम ही है जी। लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है खेल। क्या कह रहे थे सर आप बताइए? जी बताइए। अरे तो तीखा ही बोलिए ना सर, बताइए जी बताइए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी कल ही का बयान है कि अगर PM मोदी बोल देंगे कि इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूं। PM मोदी जी नहीं कहेंगे कि हमारा सांसद घटियाई कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो तुम इस्तीफा दो। वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त हैं। हमारी बेटी बहन आज 10 दिन से बैठी है, अभी तक न्याय नहीं मिला। कोई अगर विपक्ष की पार्टी आता है समर्थन देने तो उसको भी जेल में डालने की धमकी दिया जाता है। और ब्रजभूषण सिंह दोषी है, उसको सजाए होना चाहिए। अगर इस बार अगर बच जाएंगे तो 2024 के बाद मोदी जी के विदाई होने वाला है। विदाई के बाद अगर महागठबंधन के कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो ये बचने वाले नहीं है। इनको उखाड़ फेंक के जनता इनको जेल के सजाए में डलू डालेगा। ये दोषी है, कहीं में कहीं इनके साथ धोखा हुआ, भेदभाव हुआ है, इनके साथ घटिया ही किया जा रहा था इतना दिन से, कहीं में कहीं अत्याचार हो करके ये आके जंतर मंत्र पर बैठी है। और ये सरकार जो घटिया ही करता है उसका अपने पार्टी के सांसद को दोषी नहीं देता है, अपने पार्टी को नेता को इस्तीफा नहीं लेता है, कहीं में कहीं सरकार भी इसमें मिली जुली है। कैसे विदाई करेंगे मोदी जी की? मोदी जी को जनता बहुत पसंद करती है। मोदी जी को कोई पसंद नहीं करता है, ये जो भाजपा का तलुआ चाटने वाले है ना, ओ जिसको MP MLA बनना है वो मोदी जी को पसंद कर रहा है, बाकी कोई नहीं पसंद कर रहा मोदी जी। मोदी जी ये देश के अंदर महक चुके हैं, इतना महक चुके हैं
कि अब जो अंदर में जाइएगा, गांव देहात में जाइएगा, जितना लोग हत्या किया है, किसान हो मजदूर हो, ये तो मोदी जी किसान का 7-8 महीना वो धरना चला, उसमें भी मोदी जी कह रहे थे कि नहीं ये ठीक है, अब बाद में पलट गए, फिर बाद में उसको समर्थन देना पड़ा, किसान को वापस लेना पड़ा। मोदी जी सब सांचे बोलते हैं, सब हिंदुस्तान की जनता सब झूठ बोलता है, मोदी जी अमित शाह को सांच बोलते हैं। इनका ग्रामर झूठा, झूठ का जो ग्रामर है ना, ये गुजरात से बन के आता है, ये अहमदाबाद गांधीनगर से इनका झूठ का ग्रामर बन के आता है। और झूठ क्या बोलना है, कर्नाटक के चुनाव में क्या बोलना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या बोलना है, और बिहार के चुनाव में क्या बोलना है, ये कहीं में कहीं ये लोग पढ़ते रहते हैं। ये आज यही जनता इनको प्रधानमंत्री बनाता है, यही जनता इनको 2024 में उखाड़ पखाड़ के काम और महागठबंधन की सरकार बनेगी, और कहीं में कहीं देश के लिए, लोकतंत्र के लिए भाजपा सरकार खतरा है, लोकतंत्र की हत्या है, और कहीं में कहीं महंगाई बेरोजगारी पर कहीं चर्चा नहीं होती है। इनके कितने नेता, बृजभूषण के अलावा और भी बहुत सारे नेता है, घटियाई में नौकरी देने का हवाला अतु दे करके बहुत काफी आरोपी हैं, लेकिन उनको जेल नहीं दिया जाता है, उनको सजाए नहीं दिया जाता है। ये कहीं में कहीं हर जगह अपने पार्टी को, अपने सांसद को, विधायक को बचाने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। बीजेपी दावा करती है अगले 50 साल तक सत्ता में बने रहेंगे, ये तो रावण के अहंकार था, उसका भी नहीं चला। ये क्या करेंगे, दस साल से दो बार से जो जीत के आए हैं वो झूठाई पर जीत के आए हैं, कि उत्तर प्रदेश में नेठी उद्योग ले जाएंगे, बिहार में नेठी उद्योग ले जाएंगे, और वहीं से इनका सत्ता बनता है। आप बिहार उत्तर प्रदेश के जनता इनको कहीं पसंद नहीं कर रही है, ये अपना 2024 का जो ग्रामर तैयार कर रहे हैं दूसरा पुलवामा हमला कराने का, वो भी जनता इनको समझ चुकी है कि क्या इनका चरित्र है, क्या इनका अतु है, इसमें कहीं जनता अब आने वाली नहीं है। ये हर जगह दलितों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय होता है, ये उद्योगपतियों का पार्टी है, उद्योगपति का सपोर्ट किया है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी इतना बढ़ रही है, हर जगह से वंदे भारत चलाया गया, लेकिन बिहार से अभी तक वंदे भारत नहीं चलाया गया। कहीं में कहीं बिहार उत्तर प्रदेश के साथ हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव किया है, धोखाधड़ी करती है, करती रही आ रही है। भारत में कह रहे हैं कि भारत ही नहीं विदेशों में डंका बज रहा है, इनका डंका कुछ नहीं बज रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ इसको अपना आरएसएस का समर्थक ले जाते हैं, वो सब लेके जाते हैं वहाँ मोदी मोदी कराने के लिए, ये भाड़ा पर जाते हैं वहाँ बोलने के लिए मोदी मोदी। वो जिसको रोजी रोटी चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, वो आज रोड पर कहीं में कहीं उनका विरोध कर रहा है। ये हर जगह गलत होता ही है, चैनल खरीद रखे हैं अपना, जितने भी बूंदी मीडिया है उसको अपने कब्जा में ले रखे हैं। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया आई हुई है कवर करने के लिए, कहाँ गोदी मीडिया? गोदी मीडिया नहीं आएगी ना, आना गोदी मीडिया दिखाएगी, अगर मोदी के खिलाफ बोलेगा तो रील भी उड़ा देती है गोदी मीडिया। कहीं में कहीं गोदी मीडिया को नौकरी, कितना लोग मोदी जी के रीजन में कितना मीडिया को नौकरी चला गया, रवीश कुमार का नौकरी चला गया, विशाल शर्मा का नौकरी चला गया, संजय वाजपेयी का नौकरी चला गया, बढ़िया जो पत्रकार था, जो ईमानदारी से दिखाता था, उस पत्रकार को तो नौकरी से मोदी जी निकलवा दिए। जो सरकार के खिलाफ दिखाएगा उसका नौकरी जा रहा है इस समय। तो ये कहीं में कहीं सच्चाई बात है कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का अभी इस समय खतरा चल रहा है, बेरोजगारी है, और देश जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, और ये कहीं में कहीं मोदी जी को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। और ये सच्चाई है कि इनको कहीं से उत्तर प्रदेश से अब कहीं से सीट आने वाली नहीं है। ये जितना झूठ बोल लें, जितना राम के नाम बेच ले, राम सबको लाए हैं, राम को ये नहीं लाए हैं। आज जो राम के नाम लेकर राजनीति करता है उसको पिलिया पड़ेगा, उसका बीवी बच्चा बुढ़ापा में वो एकदम अनुख बनेगा जो राम के नाम बेचता है। राम के नाम लेके जो राजनीति करता है ना, वो सबसे देश के लिए मंदिर बनवा दिए, कहाँ राजनीति, इतने साल से फंसा मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है। हम भी राम के भक्त हैं, लोग को रोजगार चाहिए, लोग बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों कर्नाटक में जाते हैं तो बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं? अभी कर्नाटक में जेपी नड्डा बोले हैं मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए, तो कर्नाटक में ले आइए मोदी जी को। वो पार्टी के हैं, उनका तलुआ चटना, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, अपना प्रदेश में क्यों नहीं बनवा दिए, वहाँ क्यों कांग्रेस की सरकार बन गया? जब जेपी नड्डा जी भगवान थे, जनता उनके काम में था, तो वहाँ क्यों नहीं बना उनका सरकार? हिमाचल से तो कबार के फेंकवा दिए मोदी जी को, लेकिन कर्नाटक में एक जनता पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, सब जान रही है, वहाँ से कहीं में कहीं भाजपा इस बार बहुत बुरी हाल से चुनाव हार रही है, और ये जंतर मंतर पर जो असर पड़ी है, जो बहन के साथ, जो बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज 10 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन भाजपा के नेता कोई नहीं आ रहा है। ये जो तलुआ चाटने वाले भाजपा के, कोई नहीं आज जंतर मंतर पर चक्कर काटेगा, इसलिए उसको पता है कि इनके साथ घटना हुआ है, इनके साथ कुछ हुआ है, तभी ये लोग एक भी कोई नहीं आ रहा है। ये सच्चाई बात है कि मोदी जी को भी महसूस हो गया है कि नीतीश कुमार 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे विपक्ष को, इकट्ठा करने में कामयाब रहेंगे नीतीश कुमार।
क्या कहेंगे आप? बिजली काट रखे, पानी दे, पीने नहीं दे रहे, और जब तो फोटो खिंचवाने आ गए, जब ले गया मेरे घर की बेटी है, अब बेटी यहाँ बैठी है तो क्यों नहीं आ रहे? अगर यही बरब्रिश और ये इसकी जगह साला क्या राजपूत की जगह पर आजम खान का होता ये केस, लड़की का ऐसे केस होता अब तक आजम खान के घर बुलडोजर भी चल जाता और ये चल, यानी अगर ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का होता तो अब तक चल जाता। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये एमपी आजम खान होता अब तक बुलडोजर फिर गया होता और ये हटा भी देते, वैसे तो वो टिकट ही नहीं देते, हटाना गया है, लेकिन मतलब ये इसलिए हटा रहे क्यों राजपूत वोट है, और ये हो सकता है 13 मई के बाद हटा भी दे, 10 मई के बाद, क्योंकि अभी इलेक्शन है ना यूपी में, तो इलेक्शन के चक्कर में भी हो सकता है हटाना रहे, लेकिन वैसे भी इन्होंने देख लो चित्यानंद है, ये है बृषण सिंह है, सेंगर है तुम्हारा, और सारे कितने किसको ये तुम्हारे हरियाणा में है वो खेल मंत्री मनिंदर मनजीत सिंह क्या नाम है, वो हटाया उसको, किसको हटाया ये बताओ, ये वो बैठे हैं बिना लाइट के, आप कोई बैठ के दिखाए अंदर, तो देख लीजिए हमारे साथ तमाम लोग थे, बेहद नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।